मध्य प्रदेश के दतिया में एक ही दिन के कुछ घंटों के अंदर दो बड़ी आपराधिक वारदातों के बाद दतिया में सनसनी फैल चुकी है। सबसे पहली वारदात स्थानीय चौराहे पर बने बीएसएनएल के दफ्तर के बाहर घटित हुई। वार्ड क्रमांक 26 के पार्षद भूरे यादव पर संख्या में तकरीबन दो लोगों ने उस वक्त जानलेवा हमला कर दिया जब वो अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। पार्षद भूरे यादव का अभी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना होने के बाद महज एक घंटे के बाद ही NH-75 नेशनल हाईवे पर हत्या की घटना हुई। नेशनल हाईवे के नजदीक विद्युत उपकेंद्र के बाहर झाड़ियों में खून से लथपथ एक 30 वर्षीय युवक की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के आसपास मिर्ची पाउडर, लोहे की रॉड भी बरामद हुई है। पुलिस मामले की तहकीकात में जुट चुकी है। पार्षद भूरे यादव के ऊपर हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। पूरी घटना সন্নি মনে বইয়া দু আওয়াজ আর কেনা গুলি দেয় মন না সন্নি না গাই গুলি মারে মা তুই নাও যাই দিয়ে মেন মন গুলি দেয় এরকম ভাই ভাই কেনা গাই নেই পেলাম এই মা তো গুলি সম ভাই ভাই তুম কেনা গুলি দেয় ভাই ভাই তুম পাম গে কতনি বেজে কি ঘটনা সাত সাড়ে সাত কি ঘটনা হল কল কা দিন কাফি ब्लैक साबित हुआ है। एक 307 का केस हुआ, तो फिर थोड़ी देर के बाद एक हत्या की वारदात हुई। तो क्या है पूरी मामला सर हत्या का? कल कुछ घटनाएं हुई हैं, उसमें से एक तो 307 की घटना पर दर्ज हुई है, जो कि प्रथम दृष्टि संदिग्ध प्रतीत हो रही है कि उसमें जिस प्रकार से घटनाक्रम को बतलाया गया उस प्रकार से साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, फिर भी विवेचना जारी है उसका। और दूसरा घटनाक्रम हाईवे पर अज्ञात शव प्राप्त हुआ, जिसके पास में एक बुढ़े का सरिया मिला है जो पूरा अंदर, और उस व्यक्ति के सर पर गंभीर चोटें और मिर्ची का पाउडर भी वहाँ मिला है जो उसके हाथ में जोड़ा गया है। जो निश्चय शिनाख्त नहीं हो पा रही, लेकिन आज सुबह की शिनाख्त हो गई है। गराटा गाँव का नीलू यादव सना संतोष यादव नाम जो शिनाख्त हुई है, करीब 30 वर्ष की उम्र है। भी कुछ हमें सुराग प्राप्त हुए हैं। दतिया से ये थी नवल यादव के साथ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट।